गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस पर गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। बारह जनवरी 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन गाजीपुर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा वहां उपस्थित स्काउट गाइड के युवाओं तथा पुलिस के जवानों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन व उनके विचारों को बताया गया तथा उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए शपथ दिलाई गई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय तथा उनकी पत्नी द्वारा मिष्ठान वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय तथा महोदया द्वारा झंडा दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया गया। यह रैली शहर में भ्रमण कर स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को जागरूक करेगी। तो हरी झंडी दिखाकर क्या करें? आज ये जनपद गाजीपुर में डीजीपी महोदय के निर्देश पे वामा साथी जो डीजीपी महोदया हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि प्रत्येक जनपद में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे यूथ की एक साइकिल रैली निकाला जाए। तो उसी निर्देश के क्रम में आज गाजीपुर की पुलिस लाइन के प्रांगण में यहाँ के यूथ को इकट्ठा किया गया था और एक साइकिल रैली नगर भ्रमण के लिए निकाली गई है। और इससे पहले बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के जो है जीवन का पर प्रकाश डाला गया, उनकी जो दर्शन थी, उनके जो कथन थे, जो निर्देश थे, उन पे बच्चों को बताया गया और ये एक यूथ रैली यूथ दिवस के रूप में पूरे जनपद में शहर में भ्रमण करेगी, जिससे लोगों को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे उनके जो संदेश हैं उनको प्रसारित करने में और उनको याद करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पे एक शपथ, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सूक्त वाक्य है उसके आधार पे एक शपथ भी युद्ध को ग्रहण कराई गई। प्राण त्याग के बारे में घोषणा कर दी थी और 39 वर्ष की उम्र में बुल्लूर में उनका देहांत हो गया था। किया वो आज भी पूरे विश्व में युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, विस्तार में है केवल प्रेम का अस्तित्व है, प्रेम के विस्तार में अपना जीवन लगाता है उसी का जीवन सार्थक है। और जो स्वार्थी है, जो केवल अपने लिए, मैं बोलूंगा उसको आप दोहराएंगे कि मैं धर्म, जात, रंग आदि के आधार पर मनुष्य, मैं सदैव नारी सम्मान एवं नारी सशक्तिकरण के लिए प्राप्त ना हो जाए का पालन करूंगा। साइकिल रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है।